की बड़ी अपडेट की ओर आपको बता दें कि मुख्तार के गढ़ से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। मुख्तार अंसारी के गढ़ मोहम्मदाबाद सीट से बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र के अंदर अंसारी परिवार का काफी बड़ा हाथ रहता है और आपको बता दें कि इनका बहुत ही एक अहम योगदान इस क्षेत्र में माना जाता है। महू के बाद ये सीट बहुत अहम मानी जाती है इनका। और आपको बता दें कि उनके गढ़ से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माधवेंद्र राय को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने वाली पार्टी बीएसपी है, लगातार अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। और उन्हीं में से एक को बता दें कि मोहम्मदाबाद सीट से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, माधवेंद्र राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं यूपी की सियासत से अभी तक की सबसे बड़ी खबर। मुख्तार के गढ़ से बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा कर दी है, बीएसपी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। यूपी की सियासत से अभी तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।